चैनल त्रिवेणी सक्सेस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। त्रिवेणी सक्सेस मास्टर फ्रेंचाइजी टाटा एग्जीक्यूटिव का और वर्डर इंडिया, हम आज आपको बताएंगे कि कैसे जो पेपर का रोल है खत्म होने के बाद, पेपर का रोल खत्म होने के बाद आप कैश लोडिंग नहीं कर पाते हैं, प्रिंट टोटल नहीं कर पाते हैं और आप केवल डिस्प्ले कैश कर सकते हैं काउंटर का और कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास कोई एरर भी आता है तो जान भी नहीं पाते हैं। अगर आपका प्रिंट टोटल एडमिट कार्ड से नहीं निकल रहा है तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो पेपर रोल में खत्म होना ही होता है, या तो प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम में होता है वो होती है। तो अगर आप एडमिट कार्ड से प्रिंट टोटल नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपके प्रिंटर में प्रॉब्लम है, उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए आपको NCR में जो मशीन है उसको सुपरवाइजर मोड में लाना है। सुपरवाइजर मोड में लाने के लिए आप ऊपर ये की है, की से इस नॉब को डालेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, घुमाने के बाद फिर आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मशीन जो है आपकी ये नॉर्मल से सुपरवाइजर मोड में चली जाएगी। सुपरवाइजर मोड में जाने का मतलब यही होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं मशीन में। सुपरवाइजर मोड मशीन चली गई, फिर आपको इसको इस तरह से ऐसे कर देना है। इस तरह से खोलने के बाद अगेन फिर आपको जो मशीन का जो प्रिंटर है वो प्रिंटर ये है, और आपका जो लैन का कनेक्शन है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है। उसके बाद ये आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले के बाद में ये आपका कार्ड रीडर है। ये जो कार्ड रीडर है ये आपके कार्ड को सेंस करता है और उसको रीड करता है, और ये स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, और ये आपका कैमरा लगा हुआ है। अब चूँकि यहाँ पे पहले से ही हमारे मशीन में पेपर अवेलेबल है तो हम आप इसको पेपर को निकालने के बाद फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपको पेपर चेंज करना है। यहाँ पर मशीन अवेलेबल है, एग्जांपल के लिए इस पेपर को ऐसे इस तरह से पहले तो इसको आप पुश करके पीछे की तरफ करेंगे कि जो इंगेज है पेपर उसको डिसंगेज करेंगे। डिसंगेज करने के बाद से पेपर रोल ख़त्म होता है तो आप इस तरह से पेपर को निकालते या नया पेपर रोल इसमें इस तरह से नया पेपर रोल इसमें ऐसे डालने के बाद पेपर को यहाँ पे इसका जो स्टैंड है वहाँ पे आप इसको स्टैंड को इस तरह से रखने के बाद ये पेपर को इस तरह से जिस तरफ ब्लैंक है ब्लैंक को वाले पेज हिस्सा को नीचे रखना है, और जो इस तरफ मैक्स लाइन लिखा है उसको ऊपर रखना है, और ये जो आपको डिसंगेज किया होता है आपने इधर इंगेज कर लीजिए। इंगेज करने के बाद जो आपको पेपर डालना है ये जो ब्लैक वाला स्ट्रिप है उसके जस्ट नीचे इस तरह से डालना है। नेटर डालने के बाद इस तरह से अंगूठे से प्रेस करके आपको थोड़ा सा सहारा दे करके ये जो पेपर है इसको थोड़ा सा आगे करना है। आगे करने के बाद ये जब ब्लैक वाले रिबन तक आपका पेपर आ जाए, ब्लैक वाले रिबन तक ये पेपर आ जाएगा, उसके बाद देन आपको इस तरह से ये जो ये है इसको ये ब्लैक वाला जो रिबन है इसको पकड़ करके इस तरह ऐसे कर देना है, इंगेज कर देना है। इंगेज कर देंगे तो जो पेपर है वो आपको ये ऑटोमेटिकली इस पेपर को रोल करके आगे ले जाएगा। इस तरह से पेपर आपको यहाँ पे प्रिंटरेज ओके लिखकर के आ जाएगा और स्लिप जो है वो आपका निकलने लगेगा। उसके बाद देन आपको जब स्लिप निकलने लगेगा तो ये मशीन को इस तरह से बंद कर दीजिए, मशीन आपका सुपरवाइजर मोड में फिनिश हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे सुपरवाइजर मोड को एंटर करने के लिए 91 और उसके बाद एग्जिट कर देंगे और ये चाबी जो है उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से सुपरवाइजर मोड फिनिश हो जाता है और आप पेपर को रोल को सही से अच्छे से लगा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है टाटा NCS के ATM को एरर को कैसे डायग्नोसिस करते हैं और उसको कैसे क्लियर करते हैं उसी पे आधारित है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।